आज घरों में संकट क्यों आ रहा है? हम कुछ मानते ही नहीं ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, घर घर में तो पंडित पैदा हो गए हैं। कुछ कहते हम मानते ही नहीं, कुछ कहते ये होता ही नहीं है, तब पंडित जी को काहे के लिए धूल चटाने के लिए बैठा है? फिर अपने मन नहीं से जयमाल कर लेते, मानते भी नहीं, पंडित जी को बुलाएंगे? जब मानते नहीं तो काहे के लिए बुला रहे हो? फिर देखो, हम अगर आपसे पूछे कि भगवान है कि नहीं, तो आप दो ही आंसर दोगे, या तो हाँ बोलोगे और या तो ना, यही तो होगा दो आंसर, या तो भगवान है या तो नहीं है। जो लोग कहते हैं भगवान है तो अच्छे से मानो फिर, और नहीं है तो फिर कुछ मत मानो, नहीं है तो फिर कुछ मत मानो, फिर विवाह शादी अपने मन नहीं से कर लो, अपना जो क्रिया कर्म है सब कुछ कर लो अपने आप से, लेकिन नहीं कर पाते हम। सामाजिक कार्यों से बच पाए हैं? नहीं बच पाए, और ना तो कोई बच पाएगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारा अभियान लोग चला रहे हैं, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये मैं गारंटी से व्यासपीठ से कह रहा हूं, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कोई किसी चीज को बंद करवा। अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस को फाड़े थे, तो क्या रामचरितमानस बंद हो गई क्या? लोगों की आस्था खत्म हो गई क्या? कोई हमको बताए, एक तटपुजिया व्यक्ति के विरोध करने से क्या होता है हमको बताओ? हम तो कहते हैं आप ही गाली दो भगवान को, क्या फर्क पड़ता है भगवान को? हम ही भगवान का विरोध करें, क्या फर्क पड़ता है भगवान को? ध्यान देना, आसमान में थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, इसलिए आसमान की तरफ थूका नहीं करते, ठीक है ना? आसमान की तरफ नहीं थूका करते, थूकना नहीं चाहिए। और जो हम कहते वो लोग मानते नहीं। हम कहते तुम कहीं मत जाओ, किसी को मत मानो, घर में गीता रखो, भागवत रखो, कम से कम सेल्फ से तो पढ़ो, स्वयं तो पढ़ करके देखो कि गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। आखिर कोई व्यक्ति हमको उपदेश दे रहा है, सही उपदेश दे रहा है कि गलत? आप जानते हैं हम लोगों को गलत उपदेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं। अब जो LKG का लड़का है, जो कौआ खरहा लिखने जान रहा है, उसको आप कहोगे बेटा दू दूना चार, तो वो तो कहिए करेगा कि दू दूना चार, और अगर आप कह दिए दू दिना पांच, तो वो कहेगा दू दूना पांच, क्योंकि वो जानता नहीं। तो भैया दू दूना चार होगा, ये जानने के लिए भैया काहे नहीं गीता भागवत पढ़ रहे हो? दलाली तुम करोगे, दुकान पे बैठ के बकवास तुम करोगे, राजनीति करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, विरोध करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, और आधा घंटा निकाल करके तुम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो? कौन मना किया पढ़ने से? इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, सब तुम पढ़ रहे हो। अरे तुम 10 मिनट निकाल करके तुम गीता भागवत भी पढ़ लो, अपने ज्ञान के लिए पढ़ लो थोड़ा सा, उसमें भी देख लो। आप जानते हैं एक बात, मैं बहुत कड़वी आपसे बात बोलूं, अगर यहां जितने बैठे हैं, अगर सबके अंदर अगर गीता भागवत का ज्ञान हो, तो हम यहां बैठ करके उसको भरमा नहीं सकते। बात सही है कि नहीं? उसको हम भरमा नहीं सकते। आज कोई टोटका बता ही रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है सरसों पश्चिम में फेंको तो धन आएगा, कोई कह रहा है उत्तर में फेंको तो किसी का नाश हो जाएगा, कोई कह रहा है घर में मिर्चा और निबुआ टांग लो तुम्हारा नजर न लगेगा। भगवान न जाने क्या का चक्कर में हम पड़े हैं। दुनिया में लोग आज देखो, मैं सच बताऊं, आज दुनिया को पागल बनाना बहुत आसान है। दुनिया को पागल बनाना आज इतना आसान हो गया कि मैं बताऊं क्या बताऊं। आज कौन नहीं पागल बना रहा है लोगों को? जो जिस चीज का जानकार है उसमें वो महारत हासिल करके दुनिया को केवल पागल ही बना रहा है। चाहे अब मैं देखो खुल करके क्या मैं बोलूंगा, जो जिस भी विषय का, जिस विषय का जिसको ज्ञान है वो उस विषय में ऐंठ रहा है लोगों को, उसी विषय। डॉक्टर को देख लो,
डॉक्टर को देखो, हम कुछ नहीं जानते, अपनी पत्नी को ले गए एडमिट किए, बोले डॉक्टर साहब पेट में बच्चा है। डॉक्टर आइन बोली नहीं, ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी पैसा चूसने के लिए तुम्हार पत्नी का पेट फाड़ के वो बच्चा निकाल देती है। नौकरी करने वालों को चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, वो जानता है कि फ्री में काम हो सकता है, लेकिन तुमको 20 बार दौड़ाएगा और कहेगा ये काम नहीं हो सकता, और जैसे उसको घूस पकड़ाओगे काम होगा। कथाकारों को देख लो, जो कथा कर रहे हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको देखो, जो मन आ रहा है वही बोल रहे हैं, जो मन आ रहा है वही बोल रहे हैं, कह रहे हैं तुम हमको दान करो, हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए और तुम त्यागी बनो। दुनिया को त्यागी बनाने पे लगे हैं और अपना मालोमाल होने चाहते हैं। कितना आसान, जो जो ही मन करता है वही कर रहा है। नेताओं को देख लो, अभी विधायकी हो चाहे सांसदी हो, अभी उस पार्टी में था तो उस पार्टी को गाली दे रहा था, उस पार्टी से टिकट नहीं मिला, इस पार्टी में आके खड़ा हो गया, उसको गाली देने लगा, हम उसको वोट दे दिए। वो जिधर जाता है उधर ही हम जाते हैं, वो जिधर जाता है उधर ही हम जाते हैं। हम लोगों का खुद ही आज देखो, चाहे कोई राजनीति में चाहे किसी का सिद्धांत पक्का है क्या? किसी का सिद्धांत पक्का है? जो मन करता है वही बोल देता है, और हम लोग हाँ हाँ जय जय हाँ हाँ खूब जयकारा लगाए, उसके बाद 5 साल गाली दिए। आज के डेट में भैया चाहे कोई भी वो विषय हो, चाहे कोई भी दिशा हो, लोगों को पागल बना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, सब पागल बनाने पे तुले हुए। इसलिए जितना लोग कथा सुन रहे हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे, कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में भगवान को भोग लगा करके खाओ, घर में रह करके भगवान के नामों का जप करो, घर में रह करके गीता भागवत घर में रखो, और थोड़ा आधा घंटा स्वाध्याय करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। न उधो का लेना, न माधो का लेना, न कोनो बाबा के पास जाना है, न हमें कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता, वो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोनो बाबा हो, कल्याण आप अपना स्वयं करेंगे तभी हो। इसलिए आप अपना कल्याण करें, इसके लिए आप स्वयं थोड़ा सा भजन करना प्रारंभ करिए, और भजन करने में पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी नहीं लगता। लेकिन जहां पैसा नहीं लगता है वहां हमारा विश्वास ही नहीं होता, ये भी बात है, विश्वास नहीं होता। इसलिए पूजा चाहे किसी की करो, लेकिन उससे मांगो प्रभु को ही मांगो कि प्रभु आप मुझे कृष्ण की भक्ति दीजिए। उसे मांगना कृष्ण की भक्ति, क्योंकि उसी की भक्ति करके आपका कल्याण होगा। जब तक आप उसकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा।